देखते रहिए UVN08 गुना से योगेश लोधा की रिपोर्ट। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जिला गुना जिला अध्यक्ष द्वारा स्थानीय होटल में पत्रकार वार्ता के दौरान कहा गया कि विगत दिनों से अशासकीय शिक्षण संस्थानों में कुछ प्राइवेट एजेंसियों द्वारा CCTV कैमरे उनसे ही लगवाने के लिए विशेष दबाव डाला जा रहा है। प्राइवेट शिक्षण संस्थानों में CCTV कैमरे लगवा भी दिए गए हैं। कैमरे प्राइवेट एजेंसी द्वारा लगाए जा रहे हैं, उनका मूल्य अधिक है। 2 कैमरों के ₹50,000 तथा 3 कैमरे के ₹60,000 बाजार मूल्य से 3-4 गुना ज्यादा है। मूल्य से अधिक धन राशि ली जा रही है। देखते रहिए UVN08। ताजा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। नई कीमत के कैमरे हैं, अगर वो लगाए जाएं लगभग एक माने 3 कैमरे अगर लगते हैं तो 20 से 22 हज़ार रुपये मैक्सिमम खर्चा आता है। अगर ये खर्चा लिया जाए तो कोई भी स्कूल वाले को कोई आपत्ति नहीं हो, परंतु उसी के ₹60,000 मांगे जा रहे हैं जो कि ना जाए। क्या नाम बताया था? कैमरे लगना अनिवार्य है। पुलिस कॉन्स्टेबल आए, कैमरे लगवाना है आदमी। 3 कैमरे ₹60,000 और 2 कैमरे ₹50,000, 1 कैमरा पैसे। बोला था कि वो तो अब लगेंगे। आपके साथ जिनके यहाँ नहीं है कैमरे, हम उन पर भी दबाव डाल रहे हैं, कृपया करके आप एसोसिएशन की तरफ से कैमरे लगवाएं। परंतु सर, मेन दिक्कत कैमरे लगवाने की नहीं है, मेन दिक्कत है प्राइस की। और मेन दिक्कत है एक ही एजेंसी को हायर क्यों किया गया। अगर गुना में कैमरे लगाने वाले 50 लोग हैं तो उनको क्यों नहीं? और दूसरी बात, जब SP साहब स्पष्ट रूप से मना कर रहे हैं, उनके कार्यालय से उन्होंने खुद ने स्पष्ट रूप से मना किया कि ऐसा कोई आदेश नहीं और ऐसा जरूरी नहीं है, इसके बाद हम पे दबाव क्यों बनाया जा रहा है? तो आपने फिर उनसे रिटर्न नहीं कहा कि साहब ये 60,000 और दो के 50,000? ये कौन ने कहा आपको कि इतनी कीमती कैमरे लगाए जाए? किस एजेंसी? ये किस एजेंसी के? ये कुछ एक तो नाम आया चित्रश्री, बोले कि हमको जो है ठेका दिया गया है और ऊपर से आदेश है। चित्रश्री स्टूडियो? जी हाँ, लक्ष्मीगंज। तो हमने ये भी और कुछ स्कूलों में लगाए भी गए। कितने स्कूलों में लगा दिए हैं और कौन कौन से स्कूल हैं? जैसे जो हमारे भी संज्ञान का है, हमारे वंदना है, क्राइस्ट है और शांति पब्लिक स्कूल है, सोनाली पब्लिक स्कूल है। तो उन्हें ये ठेका किसने दिया है? सॉरी, प्रेसिडेंसी में लोगों ने पैसे दिया, किसने दिया है? अब ये तो सच में हमें मालूम नहीं ना, हमारे पास तो हमें तो ये कहते हैं SP साहब से भी हम मिले थे इसी बात को लेकर, तो उन्हें बोला कि हमारे यहाँ से कोई ऐसा आदेश नहीं है। आपके पास आप बनाकर स्कूल संचालकों को लूटा जा रहा है। तो एजेंसी को किसने अथोराइज किया है? एजेंसी को किसने अथोराइज किया ये तो मालूम नहीं है, लेकिन गुना के अंदर जितने लोगों ने भी अभी तक पेमेंट दिया है, किसी को भी उस कैमरे का आज तक बिल नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया? अब बिल क्यों नहीं दिया गया ये वाली बात तो हम प्रशासन से पूछा जाए। और ये किसके आदेश से? एक ही कंपनी से लगाने के लिए कुछ पुलिस वाले हैं जो अपने जोर जबरदस्ती सभी स्कूलों पर अपना दबाव बनाकर कैमरे लगवा रहे हैं। अगर इस समस्या का तुरंत निराकरण नहीं किया गया तो इस समस्या को मैं प्रदेश स्तर पर उठाऊंगा और संभागीय संगठन प्रभारी होने के नाते मैं ये बात का आश्वासन देता हूं कि अगर ये समस्या जल्द से जल्द हल नहीं हुई, तो स्कूल संचालकों पर अनावश्यक दबाव बनाया गया तो पहले हम जिला स्तर पर आंदोलन करेंगे, फिर संभाग स्तर पर, और आवश्यकता लगी तो पूरे प्रदेश स्तर पर स्कूलों को बंद रखकर आंदोलन किया जाएगा। तो पहला सवाल ये है कि जो